गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शरणजीत कौर फ्रॉम सत्यम कॉलेज पॉलिटेक्निकल नकोदर। आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम है एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग वेब फ्रेमवर्क। ठीक है, टॉपिक आज का जो आपका होगा HTML का होगा। सबसे पहले क्या है कि जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग वेब फ्रेमवर्क है, ये क्या है, जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं, ये जो है उसके लिए यूज़ होती हैं चीज़ें जो होती हैं, जो भी इसमें टॉपिक्स आएंगे वो एक प्रोजेक्ट बनाने में हमारी जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि HTML है क्या। ठीक है, HTML क्या है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज डिज़ाइन टू बी डिस्प्लेड इन अ ब्राउजर्स। मीन्स जो हमारी HTML है वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसको डिज़ाइन किया गया है ब्राउज़र पर हमारा जो डिज़ाइन है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए। तो नाउ HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, ए टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन्स लिंक टू अदर टेक्स्ट फाइल। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप एक फाइल के थ्रू अलग अलग टेक्स्ट फाइल को असेस करना चाहते हो, आपने अगर कोई भी फाइल जो कोई भी कंटेंट लिखा है और आप किसी और कंटेंट को भी अपने फाइल में लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाइपर टेक्स्ट। हमने कोई भी टेक्स्ट यूज़ किया वो क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट है जिसके हमारी जो लिंक है वो अदर अदर फाइल्स के साथ भी लिंक हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या है, इट इज़ अ लैंग्वेज डिस्प्ले फॉर द प्रोसेसिंग डेफिनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द टेक्स्ट। मतलब कि ये जो हमारा मार्कअप लैंग्वेज है इसको हम स्पेशली डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, हमारे टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए करते हैं, ताकि जो हमारा ब्राउज़र है, जो हमने वेबसाइट बनाई है, हम उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें सामने किसी के, अच्छे तरीके से किसी के सामने हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें। ये क्या होता है, एक हमारी मार्कअप लैंग्वेज होती है। नाउ हम बात करते हैं जो HTML के ब्लॉक होते हैं एक वेबसाइट बनाने के लिए, हमारे 3 जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। एक होता है HTML, एक होता है CSS, एक होता है जावा स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो हम जो HTML में 3 ब्लॉक्स हैं उसको यूज़ करते हैं, एक होता है HTML, CS एंड जावा स्क्रिप्टिंग। आज हम करेंगे ओनली फॉर HTML। HTML क्या है, HTML इज़ अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। इट अलाउज प्लेन टेक्स्ट टू बी आर फॉर्मेटेड लाइक बोल्ड, इलाइटिक्स एट्सेट्रा। वी कैन ओनली इंसर्ट इमेज हाइपर लिंक्स ऑन द वेब पेज। मतलब HTML हमारा क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं हमारा कोई भी वेब पेज क्रिएट करने के लिए। इसमें हम कौन कौन से टेक्स्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको बताया हम वर्ड में भी कुछ लिखते हैं तो हम उसको जो है इटैलिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, टाइम रोमन में चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं। इसमें भी हम अलग अलग तरीके से जो है हमारे टेक्स्ट स्ट्रक्चर को है वो चेंज कर सकते हैं। जो हमारा HTML है ये जो है हम किस चीज़ पर लिखते हैं, नोटपैड पर। नोटपैड पर हम जो हमारा HTML टैग्स है उसको यूज़ करते हैं। और किसके लिए यूज़ करते हैं, हम HTML में नोटपैड में हमारी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर किसी और तरीके का कोई भी लिंक हमने इस पर अपडेट करना है तो वो कर सकते हैं अपने वेब पेज पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट टू रन द HTML प्रोग्राम। हमारा जो HTML है वो किस किस चीज़ पर हम रन कर सकते हैं, एक तो इंटरनेट ब्राउज़र पर, सेकंड इज़ द नोटपैड पर। आगे है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर और सिंटैक्स ऑफ एंड द HTML। HTML को लिखने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, इसमें होता है फर्स्ट जो हमने HTML लिखा है उसके जो दोनों साइड पर एरोज हैं उसको हम बोलते हैं टैग्स, टैग HTML, देन टैग हेड, फिर हेड को क्लोज करते हैं, हेड में हमने जो भी हमारे वेब पेज को नेम देना है उसके बारे में लिखते हैं, देन उसका होता है बॉडी, बॉडी में हम उसका पूरा हमारी वेबसाइट के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें हम डाल सकते हैं, ठीक है, डिज़ाइन कैसा हो सकता है, ये सारी हम चीज़ें किस में लिखते हैं, हमारी बॉडी में, देन बॉडी क्लोज एंड देन HTML क्लोज।
HTML की एक्सटेंशन क्या होती है लिखने की? HTML की एक्सटेंशन होती है .html या फिर हो सकती है .htm। देन हमारा है कि व्हाट इज़ द HTML फाइल्स? HTML फाइल इज़ द फॉर्मेट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू डिस्प्ले अ वेब पेज। द डॉक्यूमेंट्स देमसेल्व्स आर प्लेन टेक्स्ट फाइल एंड स्पेशल टेक्स्ट और कोड्स दैट आर वेब ब्राउजर्स यूज टू इंटरप्रेट एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, सो आपको आज का जो आपका टॉपिक था वो था HTML के ऊपर। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई होगी तो प्लीज़ आप मुझसे बोल देना, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।